नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। केन्या के उत्तरी हिस्से में एक गांव तमाम दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव का नाम है उमोजा। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां इस गांव में मर्दों को एंट्री ही नहीं मिलती, यहां पुरुष नहीं आ सकते। दरअसल इस गांव में हर फैसले से लेकर प्रबंधन तक की जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। साल 2015 की अगर बात करें तो उस वक्त इस गांव में महिलाओं की संख्या 47 थी। हर बदलाव का एक इतिहास होता है। 1990 में 15 दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं ने एक गांव बसाया था। इसके बाद से यहां पर बाल विवाह खतना प्रथा, घरेलू हिंसा की शिकार औरतें भी आकर रहने लगी। उमोजा की औरतें खाने, कपड़े और घर के लिए नियमित आय की व्यवस्था स्वयं ही कर लेती हैं। यहां तक कि गांव में घूमने आने वाले पर्यटकों को भी मामूली फीस लेकर उमोजा की सैर करती हैं। इस गांव को बसाने वाली महिला का नाम है रेवेका लोलोसोली। उनके साथ कुछ पुरुषों ने मारपीट की थी। रेवेका को अपनी साथी महिलाओं को उनका हक याद दिलाने के कारण ये सजा मिली। जब वो अस्पताल में थी, इलाज जारी था, तभी उन्हें एक ऐसे गांव का ख्याल आया जिसमें केवल महिलाएं रहेंगी। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक गांव बसाने के बाद रेवेका को कई बार स्थानीय लोगों से धमकियां भी मिली। एक महिला ने बताया कि दुष्कर्म का शिकार होने के बाद पति ने भी उसके साथ हिंसा की थी। वो भागकर उमोजा आ गई। वो बताती है कि अब उनका फिर से दोबारा शादी करने का कोई भी प्लान नहीं है। वे गाँव में रहकर बच्चों की देखभाल करना चाहती है। एक 34 वर्षीय महिला ने अपनी कहानी भी बताई। उन्होंने बताया कि उसे 16 साल की उम्र में गायों के बदले एक 80 साल के आदमी को बेच दिया गया था। वो भी भागकर यहाँ आ गई। वे अब कभी भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती। यहाँ तक कि कई महिलाएं तो ये तक कहती हैं कि वो पुरुषों के साथ रहने की कल्पना तक भी नहीं कर सकती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।